दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा गूगल एडसेंस पिन मेरे घर के एड्रेस पर आ गया है। चूंकि मैं अपने घर से बाहर रहकर ही पढ़ाई करती हूँ, तो मैं उस दौरान अपने घर नहीं आ पा रही थी, तो मैं आज अपने घर आ गई हूँ। और ये देखो मेरे हाथ में क्या है, गूगल एडसेंस पिन। तो आज हम इस पिन को वेरीफाई कैसे करते हैं, इसका पूरा वीडियो देखेंगे। हालांकि मैं इस तरह का वीडियोस नहीं बनाती, पर आपके लिए प्रॉपर मैं बना रही हूँ। देखो कैमरा से, आप कैमरा पीछे कर रही हूँ, आप देख पाओगे कि ये मेरा गूगल एडसेंस पिन है ना। पिन के अंदर में नंबर दिए गए हैं, तो इस पिन से रिलेटेड हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरा पिन आ चुका है। तो अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाते हो और आपको भी डर है कि आपका गूगल एडसेंस पिन कब आएगा, आएगा ही नहीं, तो सबसे पहली बात, गूगल एडसेंस पिन तभी आता है जब आपके एडसेंस वाले अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, और कभी कभी उससे पहले भी यूट्यूब भेज देता है। ये डिफाइन करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग डॉलर होने पर भी भेज देता है, पर इसकी कैटेगरी लगभग $10 है। $10 होने पर ही ये आपको आपके घर भेजी जाएगी जब आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस गूगल एडसेंस पिन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। मैंने कर लिया है अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे www.google.adsense/adsense करके लिखा है, तो हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि पहले का जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से कर लूँगी। मेरा जो ईमेल है उसको ओपन कर लूँगी। यहाँ पे हो गया है मेरा ईमेल ओपन। सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके मैं पेमेंट के ऑप्शन में आऊँगी। यहाँ पे रेड में लिखा आ रहा होगा, योर पेमेंट आर होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई एड्रेस। यहाँ पे YouTube इंडिया पे हम क्लिक करेंगे। YouTube इंडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे एड पेमेंट मेथड करके इतना सब ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम लोग को यहाँ से एक्शन बटन पर क्लिक कर देना है। एक्शन बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का पिन लिखा है। 6 डिजिट का पिन लिखा है, जो मेरा पिन आया है उसको मैं यहाँ पर डालूँगी। पिन डालने के बाद यहाँ पे लिखा है यू हैव 3 अटेम्प्ट रिमेनिंग, मतलब तीन बार आप इसमें पिन गलत कर सकते हैं 3 बार तक, और उससे ज़्यादा आप कर दिए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें और पिन को बहुत ही ध्यान से डालें। पिन डालने के बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश करेंगे, ये जो एक्शन का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ पे एड पेमेंट मेथड लिखा है, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे ये पूरा आ गया, एड अ पेमेंट मेथड। इसमें आप जो जो चीज़ लग रहा है उसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नेम ऑफ बैंक अकाउंट, आपके बैंक का जो नाम है वो लग रहा है, बैंक नेम क्या है डबल डालना है, IFSC कोड लग रहा है, स्विफ्ट कोड जो आपको बैंक से मिलेगा, और बहुत सारे बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं रहता है, तो आपको वही बैंक खाता खुलवाना है जिस बैंक में स्विफ्ट कोड हो। तो लाइन से हम इन चीज़ों को डालेंगे। नेम ऑफ बैंक अकाउंट, आपके बैंक का जो नाम है, SBI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, या फिर इंडियन बैंक है, जो भी बैंक है उसको आपको डाल देना है। नेम ऑफ बैंक अकाउंट, IFSC कोड जो आपके बैंक का IFSC कोड रहता है उसको डालेंगे। IFSC कोड लिखा है उसको हम ध्यान से डालेंगे। हर बैंक का, हर एक जगह का अलग अलग IFSC कोड होता है, छोटा बड़ा जो भी लेटर लिखा होता है आपको बहुत ही ध्यान से डालना है।
स्विफ्ट कोड जो बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पैसा रहता है ना, तो स्विफ्ट कोड आपको इसमें चाहिए ही चाहिए होगा, और स्विफ्ट कोड आपको बैंक से ही मिलेगा। सबसे ज़रूरी है आपका अकाउंट नंबर दोस्तों, जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आप 2 से 3 बार चेक करके डालें, और इस प्रोसेस को आप आराम से करें, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, हम सेम सेव के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। एक बार और आप सभी को दिल से थैंक यू, जो आपकी वजह से मेरे घर तक आज गूगल एडसेंस पिन आ पहुँचा है। और अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो आप धैर्य रखिए, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, राम राम।